today's session we are talking about standard hydrogen electrode. So guys, आज के session में हम लोग standard hydrogen electrodes के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग represent करते हैं SHE से, जिसे she भी कहा जाता है, ठीक है? So she is known as standard hydrogen electrode. किसी किसी बुक में इसे हम लोग NHE से भी रिप्रेजेंट करते हैं, NHE से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है, जिसे which stands for normal hydrogen electrode भी इसे कहा जाता है. So guys, अब इसे कब standard hydrogen electrode कहा जाता है और कब इसे normal hydrogen electrode कहा जाता है, देखते हैं उसे. सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी, इसे तब कहा जाता है जब कंडीशन हमारी क्या होगी, स्टैंडर्ड होती है. सो जब हमारी कंडीशन क्या होगी, स्टैंडर्ड होगी, कंडीशंस आर स्टैंडर्ड. जब हमारी कंडीशन स्टैंडर्ड होगी तो हम इसे कहेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. जैसे प्रेशर होगा 1 bar या फिर 1 atm. सो अगर प्रेशर 1 bar या 1 atm हुआ, टेम्परेचर हुआ 25 degrees Celsius या फिर 298 Kelvin, एंड हमारा कंसंट्रेशन अगर हो जाता है 1 m. सो अगर कंडीशन स्टैंडर्ड हुई, दैट मीन प्रेशर 1 बार या 1 atm, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन और कंसंट्रेशन 1 m, देन हम इसे कहेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी. लेकिन जब हमारी कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं होगी, वी कॉल्ड इट NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. अब बात करते हैं ये एक्चुअल में होता क्या है. सो फर्स्ट पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें, तो आप लोगों को पता है कि जब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे, तो गैल्वेनिक सेल में क्या था, कुछ इस तरीके से था. आपको पता है गैल्वेनिक सेल 3 चीज से मिलकर बनता है, एक होता है एनोड हाफ सेल, एक होता है कैथोड हाफ सेल, और बीच में हम लोग क्या लगा रहे थे, आपको याद होगा सॉल्ट ब्रिज. सो आपका जो गैल्वेनिक सेल होता है, मैं क्या बोल रहा हूं, जो आपका गैल्वेनिक सेल होता है वो 3 चीज से मिलकर बनता था. गैल्वेनिक सेल 3 चीज से मिलकर बनता था, जिसमें से पहले वाले को कहते थे एनोड हाफ सेल. एनोड हाफ सेल जो क्या दिखाता था, जो ऑक्सीडेशन दिखाता था, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन शो करता था और इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, लूज करता था. वहीं पे जो आपको राइट हैंड वाला दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते थे कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल कहते थे. और ये क्या करता था, रिडक्शन दिखाता था. इट मींस अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, गेन करता था. और इन दोनों को आपस में कौन जोड़ता था, इन दोनों को आपस में जोड़ता था सॉल्ट ब्रिज. तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है इन एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल, जो करंट को एक क्लोज पाथ देता है, और तीसरा मैंने क्या बोला, इंटरमिक्सन नहीं होने देता, यहां के सॉल्यूशन को यहां मिक्स नहीं होने देता और यहां के सॉल्यूशन को यहां मिक्स नहीं होने देता. सो हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल जो होता है वो 3 चीज से मिलकर बनता है, एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल और सॉल्ट ब्रिज. एनोड हाफ सेल क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन दिखाता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. कैथोड हाफ सेल जो रिडक्शन दिखाता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. और दोनों को आपस में जोड़ता है कौन है, सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज के काम क्या होता है, पहला काम उसका ये होता है कि वो इंटरमिक्सिंग नहीं होने देगा, यहाँ के सॉल्यूशन को यहाँ नहीं आने देगा, यहाँ के सॉल्यूशन को यहाँ नहीं आने देगा. दूसरा, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखेगा दोनों हाफ सेल में, एनोड हाफ सेल में भी, कैथोड हाफ सेल में भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखेगा. और तीसरा, करंट को क्या देगा, क्लोज पाथ. अब गाइस आपने देखा था कि जब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे, तो गैल्वेनिक सेल में हमने क्या किया था, ये वेसल है, वेसल के हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था, अगर आपको याद होगा तो हमने वहां पे ZnSO4 लिया था. और अगर ZnSO4 का मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन अगर मेरे पास Zn का है, तो हम जो इलेक्ट्रोड लेते थे वो भी किसका लेते थे, जिंक का लेते थे. ऐसी अगर मैं कैथोड हाफ सेल की बात करूं, तो कैथोड हाफ सेल हमने क्या लिया था, यहाँ पे CuSO4 एज अ सॉल्यूशन लिया था, जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. तो यहाँ पे अगर कॉपर का मेरे पास सॉल्यूशन है, तो कॉपर का ही मेरे पास क्या होता था, कैथोड का इलेक्ट्रोड होता था. सो गाइस, गैल्वेनिक सेल में क्या होता था, जैसा हमारा मेटल रॉड होगा, जिस एलिमेंट का हमारा मेटल रॉड होगा, उसी एलिमेंट का हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन भी होगा. जैसे जिंक को देखिए, जिंक का अगर मेरे पास इलेक्ट्रोड है तो सॉल्यूशन भी किसका है, जिंक का है. कॉपर का अगर मेरे पास इलेक्ट्रोड है तो सॉल्यूशन भी किसका है, CuSO4 का. बट अगर मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रोड होता है, विच एक्ट एज इलेक्ट्रोड, वो होता है गैस आयन इलेक्ट्रोड. सो गाइस, पहला पॉइंट यहां से निकल के आता है कि इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड. तो ये गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें हमारा जो गैस होता है, जिसमें जो हमारा गैस होता है वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है. और जो यहाँ पे हमारे पास आयन होता है, जो हमारे पास यहाँ पे आयन होता है वो होता है एच पॉजिटिव. और ये आयन कब बनेगा, जब आप इसे एक्वा सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे. सो मैंने क्या बोला, जैसे आपने देखा था गैल्वेनिक सेल में, जैसा हमारा मेटल रॉड होता था, सॉल्यूशन भी हमारे पास उसी का होता था, जैसे जिंक एंड ZnSO4, जैसे कॉपर CuSO4. बट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो हमारा
इलेक्ट्रोड होता है वो गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है। तो गैस यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस, और आयन यहाँ पे कौन है, एच पॉजिटिव, जिसे हम एक्वस सॉल्यूशन में कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ये कैटायन और एनायन की फॉर्म में टूट जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, कैटायन है, तो जैसे मैं पानी में डालूंगा कैटायन फॉर्म में टूट जाएगा। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इट इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसे हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी इसे कहा जाता है। और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसे किसने का दिया है, आईयूपीएसी की वजह से, आईयूपीएसी की वजह से हम इसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब यह है कि जिस भी एलिमेंट का आप क्या लिखते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हो। जैसे जिंक का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लिखते हो, -0.76 वोल्ट। तो ये किसके रिस्पेक्ट को देख के रखा गया, ये देख के रखा गया रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट को, मतलब हाइड्रोजन को। तो गाइस होता क्या है कि जिस भी एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं, शी के, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे मैंने कहा जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो -0.76 वोल्ट है, किसके कंपैरिजन में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में। कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0.34 वोल्ट होता है, किसके रिस्पेक्ट में, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। सो इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहा हूं तो किसके रिस्पेक्ट में बताऊंगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इट एक्ट एज एनोड हाफ सेल। और आपको पता है एनोड हाफ सेल करता क्या है, ऑक्सीडेशन दिखाता है, दैट्स व्हाई हम इसे कभी कभी ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहते हैं। इट एक्ट एज एनोड हाफ सेल एज वेल एज कैथोड हाफ सेल। एंड वी नो दैट कैथोड हाफ सेल क्या करता है, रिडक्शन दिखाता है, दैट्स व्हाई हम इसे रिडक्शन हाफ सेल भी कहते हैं। सो गाइस आपका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह भी बिहेव करता है, वो कैथोड की तरह भी बिहेव करता है, वो ऑक्सीडेशन भी दिखाता है, वो रिडक्शन भी दिखाता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी करता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी करता है। मूव करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, और फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, फोर्थ पॉइंट कहता है इट्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज अज्यूम टू बी जीरो वोल्ट। सो गाइस यहां पे अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या फिर जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा, वो जीरो वोल्ट के इक्वल होगा। ये हम लोग एज्यूम करते हैं या हम लोग मान लेते हैं। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है आपको पता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर आपको लिखना है तो चार्ज को बढ़ाते हुए लिखना पड़ेगा, मतलब कुछ इस तरीके से लिखना होगा H2 से H पॉजिटिव। तो यहां पे देखिए इस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब जीरो चार्ज है, और इस पे +1 चार्ज है। तो जब भी चार्ज बढ़ता है तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन होता है। सो उस समय जो आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालोगे वो किसके इक्वल होगा, जीरो वोल्ट के इक्वल होगा। चाहे आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालिए या फिर रिडक्शन, तो रिडक्शन कैसे लिखते हैं आपको पता है, रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग लिखते हैं जब हमारा चार्ज डिक्रीज हो रहा होता है। तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, उल्टा कैसे करेंगे, H पॉजिटिव / H2, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कितना होगा, जीरो वोल्ट। तो गाइस एक बार रिव्यू कर लेते हैं, तो ये था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे शी भी कहा जाता है जब कंडीशन स्टैंडर्ड होती है, और इसे NHE भी कहा जाता है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं होती। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जैसे आपने देखा कि जब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं तो गैल्वेनिक सेल में अगर जिंक का मेटल रॉड है तो जिंक का ही क्या होता था, सॉल्यूशन होता था लाइक ZnSO4। और जब हमारे पास कॉपर का हमारे पास अगर मेटल रॉड है या इलेक्ट्रोड है तो हम सॉल्यूशन किसका लेते थे, कॉपर का लेते थे लाइक CSO4। सो गाइस यहां पे जो इलेक्ट्रोड होता है वो गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है, और आयन क्या है यहाँ पे, एच पॉजिटिव। और इसे हम एक्वस सॉल्यूशन में कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज एक्वस सॉल्यूशन में जाएगी तो वो किस फॉर्म में टूट जाएगी, एच पॉजिटिव की फॉर्म में टूट जाएगी। मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, इसे हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, जब भी आप किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल बताते हैं तो वो इसके रेफरेंस में बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट जो होता है वो किसके रेफरेंस में होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में होता है। वहीं पे कॉपर का 0.34 वोल्ट जो सेल पोटेंशियल होता है वो किसके रेफरेंस में होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में होता है।
बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इट एक्ट एज एनोड, ये एनोड की तरह भी बिहेव करता है, ये कैथोड की तरह भी बिहेव करता है, ये ऑक्सीडेशन भी दिखाता है, ये रिडक्शन भी दिखाता है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज भी करेगा और इलेक्ट्रॉन को गेन भी करता है। मूव करते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है या जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है इज अज्यूम टू बी जीरो। अब लिखेंगे कैसे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में आपका चार्ज बढ़ रहा होता है, तो देखिए आप H2 थे जिसपे चार्ज जीरो था, आप कन्वर्ट हुए H पॉजिटिव में, चार्ज वन हो गया, तो इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, जीरो। वहीं पे रिडक्शन को हम कैसे लिखते हैं, जस्ट इसका उल्टा, जिसपे चार्ज डिक्रीज करेगा। अगर आप इस हाइड्रोजन को देखते हो तो ये प्लस वन है और प्लस वन से जीरो जा रहा है, तो चार्ज डिक्रीज कर रहा है, जिसे हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और वो भी कितना होगा, जीरो वोल्ट होगा। सो गाइस आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। सो बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। सो अगर मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड के कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन इसका किस तरीके से होता है। सो ये है हमारे पास एक बाल्टी, जैसे हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में बाल्टी नहीं बोलते हैं, वेसल बोलते हैं। तो ये हमारे पास वेसल है, इसके अंदर पानी होता है, पानी नहीं बोलते बल्कि केमिस्ट्री की भाषा में इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है, एच सी एल होता है, जिसकी कंडीशन स्टैंडर्ड लेते हैं कि ये वन मोलारिटी पे है। सो मैंने कहा अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक वेसल होता है, वेसल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है HCl का। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, आइदर कैटायन आइदर एनायन, जब हम उन्हें मॉल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस सॉल्यूशन के साथ लेते हैं, एक्वस मतलब पानी के साथ। तो मैंने कहा यहाँ पे जो HCl है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो हमारे आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं जब हम उन्हें मॉल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस सॉल्यूशन के साथ लेते हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन मैंने स्टैंडर्ड रखी है जो वन मोलारिटी है। इसको अगर मैं तोड़ता हूं तो आपको पता है अगर HCl को मैं डिसोसिएट करूंगा तो वो कैसे टूटेगा, वो टूटेगा H पॉजिटिव में प्लस Cl नेगेटिव में। सो अगर इसकी कंसंट्रेशन वन मोलारिटी है तो यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, वन मोलारिटी। सो कभी कभी या तो HCl लिखा जाता है या फिर H पॉजिटिव भी लिखा रहता है। तो ये है हमारे पास वेसल जिसमें HCl का हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। अगर मुझे इसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, बड़ा सिंपल है। हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा ग्लास गैजेट, हम उसे कहते हैं ग्लास जैकेट, दिखाते हैं किस तरीके से बनता है वो। सो ये है हमारा ग्लास जैकेट, इसे हम लोग कहते हैं गाइस ग्लास जैकेट इसे कहा जाता है, जिसमें एक साइड इसका ओपन होता है और जो साइड ओपन होता है वहां पे वहां से हम क्या करते हैं, प्योर हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं जो एक स्टैंडर्ड प्रेशर पे होता है, और उस स्टैंडर्ड प्रेशर को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 1 atm। आपको पता है स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 bar या फिर 1 atm। So, ये है हमारा वेसल, वेसल में हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है जो HCl है, जिसकी कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड है 1 molarity। हमने क्या किया, ग्लास जैकेट लिया, ग्लास जैकेट में जो ओपनिंग साइड है वहां से हम प्योर हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं जो एक स्टैंडर्ड प्रेशर पे होती है 1 atm। अब गाइस होता क्या है कि जो गैस होता है वो कभी भी इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव नहीं करता। मैंने क्या बोला, जो भी गैस होती है वो कभी भी इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव नहीं करती। सो अगर मुझे शी को इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कराना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्लैटिनम की एक वायर डाल देते हैं। So, ये है हमारी प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं क्योंकि आपको पता है कोई भी गैस इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव नहीं कर सकती। तो हम यहाँ पे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेते हैं जो वायर होता है, जिसे आप प्लेटिनम वायर भी कहते हैं या फिर आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी से कह सकते हैं, जिसके बॉटम में, अगर मैं बॉटम की बात करूं तो बॉटम में यहाँ पे क्या होता है, बॉटम में यहाँ पे हमारे पास होता है प्लेटिनम ब्लैक फॉइल, प्लेटिनम ब्लैक फॉइल होता है एट द बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या गाइस, तो इस तरह का इसका कंस्ट्रक्शन होता है, वेसल है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, ग्लास जैकेट है जिसमें एक कॉर्नर से प्योर हाइड्रोजन गैस को पास करा रहे हैं स्टैंडर्ड प्रेशर पे। अगर इलेक्ट्रोलाइट बनाना है तो हमें प्लैटिनम वायर यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, एंड एट द बॉटम ऑफ प्लैटिनम हमारे पास क्या होता है, प्लैटिनम ब्लैक फॉइल होता है जो पूरा ब्लैक होगा, ठीक है। अब होगा क्या, अब गाइस काम कुछ इस तरीके से होगा कि यहां से प्योर हाइड्रोजन गैस आएगी, और जैसे जैसे प्योर हाइड्रोजन गैस आएगी ये जो प्लैटिनम ब्लैक फॉइल है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब जैसे जैसे ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता जाएगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि एक लिमिट तक उसे सिर्फ क्या कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा। मैंने क्या बोला, यहां से हाइड्रोजन गैस है ये उसे एब्जॉर्ब कर दिए, तो कब तक करेगी, एक लिमिट तक करेगी। एक लिमिट के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो यहां से बबल्स की फॉर्म में निकलना स्टार्ट होगी और ऊपर की तरफ जाती है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से क्या होगी, ऊपर ऊपर जाने लग जाएगी। सो मैंने क्या बोला, जैसे ही हाइड्रोजन गैस को पास कराते हो आपका ये जो प्लैटिनम कॉइल है ये हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, बट एक लिमिट तक करेगा। उस लिमिट के बाद आपकी जो हाइड्रोजन गैस होगी वो बबल की फॉर्म्स में क्या होने लग जाएगी, ऊपर आने लग जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी बनेगी जब आपकी हाइड्रोजन गैस जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। वो किसमें आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, किसके साथ, इस H पॉजिटिव के साथ। H पॉजिटिव को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है तो दो लगा देते हैं जो क्या है, एक्वस है।
So, मैंने कहा जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस पास होगी आपका प्लेटिनम फॉइल हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करेगा बट एक लिमिट तक करेगा। लिमिट खत्म होने के बाद हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो बबल्स के फॉर्म में ऊपर आने लग जाएगी और एक टाइम पे एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड आयंस के बीच में। हाइड्रोजन गैस एंड एच पॉजिटिव आयन के बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा? इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा और आपको पता है जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम में जो आपका सेल पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो कितने के बराबर आ जाता है? 0 वोल्ट के बराबर आ जाता है। दैट्स व्हाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं या फिर जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं वो 0 के इक्वल होता है। 0 क्यों होता है? क्योंकि आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाता है। दैट्स व्हाई जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो निकलता है वो कितना निकलता है? 0। अब बात करते हैं कि यार हमने ये भी बोला था कि ये एनोड की तरह भी बिहेव करता है कैथोड की तरह भी बिहेव करता है तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे पहली कंडीशन लगाते हैं जब आपका शी किसकी तरह बिहेव करेगा? एक्ट एज एनोड हाफ सेल। जब ये एनोड हाफ सेल की तरह बिहेव करेगा आपको पता है एनोड हाफ सेल में क्या होता है? एनोड हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के वक्त क्या होता है? ऑक्सीडेशन के वक्त ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है। तो किस तरीके से देखेंगे? बड़ा सिंपल है, हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब आपको पता है ये हाइड्रोजन गैस किसमें टूटेगा? ये टूटेगा H पॉजिटिव में, जो हमारा क्या एक्वस है। तो उसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन यहाँ पे एक है तो आ गया 2 लगाएंगे। इट मींस जब हाइड्रोजन 2H पॉजिटिव में टूटा होगा तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए होंगे? लूज किए होंगे। इसका अगर रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं हम लोग, इसका अगर मैं रिप्रेजेंटेशन लिख के दिखाऊं तो रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल है, रिप्रेजेंटेशन होता है ये रहा वी हैव H2 करके हम लोग क्या लिखेंगे? एच पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये किसमें था? प्लेटिनम में था। इसे मैंने कितना लिया था? 1 bar या फिर 1 atm आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये क्या था? एक्वस था जिसकी कंसेंट्रेशन क्या थी? 1 molarity, ठीक है गाइस। और अगर मैं इसका लिखता हूं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या लिखता हूं? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मैं इसका लिखता हूं तो कैसे लिखेंगे? देखिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम इसका लिखेंगे जब चार्ज इंक्रीज करेगा। तो कैसे इंक्रीज करेगा? ये H2 था, H2 से ये H पॉजिटिव में कन्वर्ट हुए। तो अगर आप देखेंगे H2 पे कोई चार्ज नहीं है तो इसका चार्ज क्या है? यहां पे 0 और H पॉजिटिव पे +1 चार्ज है तो कितना चार्ज है? +1। तो ये 0 से +1 जा रहा है, मतलब इसका हमने क्या निकाला? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो किसके इक्वल होता है? 0 वोल्ट के इक्वल होता है गाइस। सो इस तरीके से किसकी तरह बिहेव करेगा? एनोड हाफ सेल की तरह बिहेव करेगा। एनोड हाफ सेल क्या करता है? ऑक्सीडेशन दिखाता है और इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो ये रहा हाइड्रोजन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और ये एच पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा तो लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट में कौन है हमारे पास? H2। राइट में कौन है हमारे पास? H पॉजिटिव। प्लेटिनम हमने यहाँ पे लिया था, प्रेशर था 1 bar भी हो सकता, 1 atm और मोलारिटी कितनी ली थी? 1 m। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? चार्ज हमारा इंक्रीज करना चाहिए, तो देखो 0 से +1 जा रहा है और इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? 0। तो गाइस आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करता हूं, देखते हैं कि जब हमारा शी किसकी तरह बिहेव करेगा? कैथोड हाफ सेल की तरह। सो गाइस बात करते हैं जब हमारा शी एक्ट करेगा, एक्ट एज कैथोड हाफ सेल। कैथोड हाफ सेल एंड वी नो दैट कैथोड हाफ सेल में होता क्या है? कैथोड हाफ सेल में हम लोग करते हैं रिडक्शन और रिडक्शन के वक्त क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं? गेन करते हैं। सो किस तरीके से लिखेंगे? जैसे आपने एनोड का लिखा था उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। उल्टा कैसे करेंगे? ये था 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? गेन किया और ये क्या बन गया भाई? H2 गैस बन गया गाइस। ये था हमारा एक्वस और ये बन गया हमारा गैस। इसका अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो आपको लेफ्ट टू राइट चलना पड़ेगा। किस तरीके से चलेंगे? लेफ्ट में हमारे पास कौन है? एच पॉजिटिव। बनाया क्या हमने? H2 बनाया। H2 में क्या लिया था? प्लेटिनम लिया था और जो कितने प्रेशर पे था? 1 atm प्रेशर पे था। यहीं पे H पॉजिटिव क्या था? कितनी कंसंट्रेशन थी? 1 molarity इसकी कंसंट्रेशन थी जो एक्वस में था। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। और वहीं पे अगर मैं इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखता हूं तो किस तरीके से लिखूंगा? ये रहा हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमारा चार्ज डिक्रीज करना चाहिए, तो डिक्रीज कैसे करेगा? H पॉजिटिव से किसमें गया? H2 में। तो देखिए ये रहा H पॉजिटिव स्लैश करके ये रहा H2। तो अगर इसका चार्ज मैं चेक करता हूं तो ये +1 से कहां गया है? 0 गया है। तो चार्ज अगर डिक्रीज करता है तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा? 0 वोल्ट आएगा। सो गाइस ये था हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें हमने बहुत सारी चीज देखी। हमने देखा कि एक्चुअल में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है, उसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। उसे वो एनोड की तरह, कैथोड की तरह रिडक्शन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन को लूज और इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। और जिसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 0 वोल्ट।
कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने देखी, कंस्ट्रक्शन बड़ी सिंपल सी थी, एक टाइम पे एक इक्विपमेंट एस्टैब्लिश होता है जिसके वजह से इनका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल आ जाता है, जीरो के इक्वल आ जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा गाइस, अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी ताकि आगे आने वाली सीरीज में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।